नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो दोस्तों, आप सभी लोग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कमेंट के माध्यम से, फॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो उन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला। क्या क्वेश्चन थे कि मेरे रिजल्ट में कैरी ओवर लिख के आ गया, मेरे रिजल्ट में BPRD लिख के आ गया, तो अब आगे क्या करना होगा, इसका क्या सोल्यूशन है, और कैरी ओवर होता क्या है, BPRD होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो इन चीज़ों को समझने से पहले हमें तीन बेसिक चीज़ें समझनी होंगी कि आपके कानपुर यूनिवर्सिटी से अगर आप BLLB कर रहे हैं तो आपके टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए, टोटल परसेंटेज कितने होने चाहिए, टोटल एक सब्जेक्ट में टोटल पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना है। अब इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। वो क्यों? क्योंकि देखो, जब तक आप ये तीन चीज़ें नहीं समझेंगे, आपको कैरी ओवर और BPRD का क्या मतलब है, क्या करना है, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखा जाए एक तरह से कैरी ओवर और BPRD का लिंक कहाँ से होगा, इन तीन चीज़ों से होने वाला है। तो चलिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ इन तीन चीज़ों के बारे में। तो देखो, मैंने यहाँ पे चार तरह से कह सकते हैं मैंने डिवाइड कर दिया। क्या चीज़ डिवाइड कर दी? देखो, जो भी हमारा ये टोटल मार्क्स, टोटल परसेंटेज होगा, ये तीन तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। BLLB के देखिए मैंने डिवाइड कर रखा, ये वो स्टूडेंट हैं BLLB के जो फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर में पढ़ते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेमेस्टर तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये वाला आपके लिए काम का है। अगर आप 7, 8, 9, 10 सेमेस्टर में, तो ये आपके काम का है। LLB के फर्स्ट से फिफ्थ सेमेस्टर तक की स्टूडेंट, ये वाला काम का, और सिक्स वाला ये काम का। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, तो आपके लिए पूरी वीडियो काम की। थर्ड सेमेस्टर में तो भी पूरी वीडियो। देखो, आप अगर यहाँ से हैं BLLB फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर के, तो आपको ये चीज़ भी ज़रूर पता होनी चाहिए। ओके, एंड अगर आप यहाँ से हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं, जैसा कि हमारा बात हो रही है टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए। एक जैसा कि हमारा मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट कल आया था दोस्तों। BLLB फर्स्ट सेमेस्टर, LLB फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कल आ चुका है। थर्ड सेमेस्टर का अभी नहीं आया, ना ही उनके बैक का आया, तो जल्दी आपका जारी हो जाएगा, 1 से 2 दिनों में। हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी जारी हो जाए। तो देखो, टोटल मार्क्स की बात की जाए तो जो टोटल मार्क्स आपका होता है, देखो 600 का जो आपका टोटल होता है, उसमें से आपको मिनिमम कितने लाने होते हैं पास होने के लिए, 288 मार्क्स लाने होते हैं। किन बच्चों को? जो BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, तो टोटल आपको 288 मार्क्स लाने होते हैं। पहला क्राइटेरिया ये हो गया हमारा BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट से सिक्स। अब यहाँ पे अगर आप बात करें 7 से 10 की, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो टोटल मार्किंग होती है, होती 500, जिसमें से आपको लाने होते 240 मार्क्स। तो मिनिमम आपको 240 मार्क्स तो आपको लाने होते हैं। ओके, इसके बाद जब LLB की बात करें तो LLB में सेम यही होता है, 500 का होता है फिफ्थ से सिक्स सेमेस्टर तक, और यहाँ पे 240 लाने होते हैं। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट एक एड ऑन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं सिक्स सेमेस्टर की, उसकी हम अलग से बात करेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात कर ली जाती है, तो टोटल परसेंटेज कितने होने चाहिए पास होने के लिए, BA LLB में पास होने के लिए आपके टोटल कितने परसेंट होने चाहिए। तब देखो, पहला मैं BLLB फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर की बात करूँ, तो आपके टोटल 48% आने चाहिए। जी हाँ, 100% में 48% आने चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए हमारा क्या है, इसमें भी हमारा 48% होना चाहिए। मिनिमम आपका 48% आपका आना ही आना चाहिए पास होने के लिए। तो BLLB में कहने के दो क्राइटेरिया हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको पास होना, तो पहला क्या, अगर आप फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर में, तो आपके 288 टोटल होना चाहिए। 288 टोटल है, तो आपका 48% मार्क्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके, यही 7, 10 में या फर्स्ट फिफ्थ में, तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि टोटल पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए एक सब्जेक्ट में, तो वो होता है आपका 36 मार्क्स आपके एक सब्जेक्ट में मिनिमम होने ही चाहिए। अब सर, बात यहाँ पे ये आती है कि सर, अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया हमने फुलफिल नहीं किया, तो मान लीजिए मेरे हर पेपर में 36 मार्क्स आ गए, 36 मार्क्स मेरे हर पेपर में आ गए, लेकिन मेरा जो टोटल बना जाके वो 48% नहीं बना जाके, वो 48% से कम रहा, तो क्या मैं पास माना जाऊंगा? तो देखो, उस सिनेरियो में आपका क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा कैरी ओवर लिख के। क्या लिख के आएगा? कैरी ओवर लिख के आएगा। अगर आपके हर पेपर में 36 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन 48% से कम है, या टोटल उसका 288 नहीं है, तो आपका कैरी ओवर लिख के आएगा। अब यहाँ पे यही बात कर लें इधर की। सर, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके टोटल 288% है, 48% आपके आ गए हैं, बट किसी सब्जेक्ट में आपके 34 मार्क्स आ गए हैं, या 35 मार्क्स क्यों ना आ गए हो, 33 आ गए, तो क्या आप पास माने जाएंगे, आगे प्रमोट माने जाएंगे? तो देखो, इसमें भी आपका कैरी ओवर लिख के आ जाएगा।
इस सिनेरियो में भी आपका कैरी ओवर लिखना है आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपके 36 मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ 48% आपके बनने चाहिए, जिसका मतलब होता है 600 में 288 मार्क्स आपके आने चाहिए। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होता है 7th 10th सेमेस्टर में, टोटल 36 मार्क्स होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 36 मार्क्स होने चाहिए और टोटल आपका 240 होने चाहिए, यानी 48% होना चाहिए। इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई भी क्राइटेरिया आपकी मिस होती है तो आपका लग जाएगा कैरी ओवर। अब इस कैरी ओवर के बारे में हम और थोड़ा जान लेंगे। तो देखो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, अगर क्लियर हो गई तो कमेंट करके बताओ क्लियर हो गई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट के मन में। अब यहाँ पे मैंने कैरी ओवर की बात की, तो कैरी ओवर तो अब यहाँ पे हो गई। अब मान लो कि सर मेरे जो है बैक कैसे पता करें कि मेरे किस पेपर में बैक लगी है। ओके, तो मान लो कि मैंने जैसे आपका क्राइटेरिया बताया कि आपके 36 मार्क्स हर एक पेपर में 36 मार्क्स से ज़्यादा नंबर हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के हों। ओके, किसी भी सेमेस्टर को 36 से ज़्यादा आप नंबर लेके आए हैं हर एक सब्जेक्ट में, बट आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए वो 48% से कम है, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना होगा, बैक पेपर देना होगा। अब बैक पेपर किस में दिया जाए, मान लीजिए सब में 36 से ऊपर है तो आप जिस भी सब्जेक्ट में चाहें उस सब्जेक्ट में बैक दे सकते हैं जिसमें आपको लग रहा हो आपका आपको लग रहा हो कि इसमें यार मेरे नंबर कम आए, तो आप उसका बैक पेपर दे सकते हैं। सर कब दे सकते हैं बैक पेपर, तो जैसा कि मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अब आप बैक पेपर ये थर्ड सेमेस्टर में फिल करेंगे, थर्ड सेमेस्टर के साथ में आप फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर देंगे। सेम ऐसा अगर आप फोर्थ में हो तो सिक्स में करेंगे, सेकंड में हो तो फोर्थ में करेंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद एक पॉइंट हमारा और आता है कि मान लीजिए हमारे 48% कंप्लीट हैं और किसी सब्जेक्ट में 36% से 36 से कम नंबर आए, 35 आ गए हैं, ठीक। तो इस सिनेरियो में बैक पेपर किस में देना होगा, तो देखो इस सिनेरियो में बैक आपकी साफ साफ बताई जा रही है कि जिस भी सब्जेक्ट में 36% से ज़्यादा 36% से कम नंबर हैं उसमें आपको बैक देनी होगी। ओके, जिसमें 35, 34, 36 से किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं, एक सब्जेक्ट हो दो सब्जेक्ट, तो उनमें आपको बैक डालनी ही डालनी होगी, उसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा किसी भी सब्जेक्ट में उठा के बैक डाल दें। ओके, लेकिन वही सिनेरियो मैंने आपको बता रखा है। ओके, अब बैक पेपर का सॉल्यूशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया बैक पेपर कैरी ओवर कब लिख के आता है, जब ये हमारी जो कंडीशन है इनको फुलफिल ना किया जाए। अब ये कैरी ओवर लिख के आ गया है तो क्या इसको सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो देखो बहुत सीरियसली से बता रहा हूँ, LLB BA LLB मजाक नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो ध्यान से सुन लो, अगर इसको मजाक समझ के आए हो, ये समझ के आए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो इसको ईजिली कर लेंगे, तो मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूँ ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी ज़्यादा टफ है आपके लिए। ओके, आप अगर कहीं LLB 5 BA LLB कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। ओके, तो आप अगर इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो तो प्लीज़ आप ना करें, सीरियसली लेके ही LLB की पढ़ाई करें। अब यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो आप लोग सुन लीजिए, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी ओवर आ गई है, ठीक, मान लीजिए आपका किसी सेमेस्टर में टोटल आपका नहीं बन पा रहा 288 48% नहीं बन पा रहा, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी ओवर लिख के आ रहा है, ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में कैरी ओवर लिख के आ गया, ठीक, अब मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर जब आया आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बैक देनी होगी, किसी भी सब्जेक्ट में देनी बैक देनी जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सेमेस्टर में अगर आपने बैक एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, अभी आपका कोई बैक नहीं हुआ, कैरी ओवर लिखने का ये मतलब नहीं कि आपको दोबारा एग्ज़ाम आप बैक हो गए, आपका ईयर बैक हो गया, आपका सेमेस्टर बैक हो गया, नहीं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं, आपको यानी प्रमोट कर दिया गया है, बट जो भी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए उसमें आपको पेपर देना होगा या आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा। लेकिन मान लीजिए आपका कैरी ओवर फर्स्ट सेमेस्टर में आया, मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में नहीं आया, पहले मैं ये कंडीशन फर्स्ट सेमेस्टर में आया सेकंड सेमेस्टर में नहीं आया, थर्ड सेमेस्टर जब आप इसका बैक पेपर देने जाएंगे और कहीं आपने इसका कैरी ओवर नहीं पास किया, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का कैरी ओवर अगर आपने नहीं क्रैक किया जो भी आपका बैक पेपर है, और थर्ड सेमेस्टर में भी आपका कैरी ओवर लिख के आ गया या नहीं आया, थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का अगर क्लियर नहीं किया तो आपका लिख के आएगा BPRD, एक साल बैक, मतलब आप एक साल पूरा पीछे चले जाएंगे, आपका 1 ईयर बैक हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर नहीं लाना तो कैरी ओवर को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दें, पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अगर मान लीजिए फर्स्ट में बैक आ गई, सेकंड में बैक आ गई, थर्ड में भी BPRD आ गया और ये तीनों क्रैक नहीं हुआ, भाई आपका लिख के आ जाएगा फेल्ड, आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी फिर से LLB। और मैं एक चीज़ और हकीकत बताने वाला हूँ कि आपके कॉलेज में, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आपके कॉलेज में 200 बच्चे हैं तो 10th सेमेस्टर तक पहुँचते पहुँचते 10 बच्चे आपके साथ आपको दिखेंगे, 10 से 12 बस, क्योंकि सब यहाँ पे आसान समझ के आते हैं LLB BLLB को, बट ये आसान नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कैरियर और BPRD का, तो बस पढ़ाई अच्छे से करनी होगी दोस्तों,
अच्छे से पढ़ो कैरी ओवर के लिए, जिस सब्जेक्ट में आपको बैक देना है उसको अभी तो फिलहाल आपको स्किप करना होगा। अब आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी होगी और पूरी कोशिश करनी होगी सेकंड सेमेस्टर में आपकी कोई भी बैक ना आए, कोई भी कैरी ओवर ना आए। और यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर से ये मतलब नहीं कि भाई फोर्थ फिफ्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपका अगला सेमेस्टर उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। और जब थर्ड सेमेस्टर आपका आएगा तो आपको बैक पेपर भरना होगा, ओके, बैक पेपर की तैयारी करनी होगी और बैक पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि बैक क्लियर करना होगा। बैक नहीं क्लियर होगा तो भले आपका सेकंड थर्ड भाई हो, आपका बीपीआरडी लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आई होप दोस्तों समझ में आ गई होगी। अगर आपको बैक पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी ज़्यादा कोई बात हो, अगर कोई भी कन्फ्यूजन में दूर ना कर पाए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता देना। और दोस्तों मैंने जो इतनी मेहनत से आपके लिए चार्ट वगैरह तैयार किया दोस्तों आपको समझाने के, अगर पसंद आए तो दोस्तों एक नॉर्मल सी लाइक दोस्तों और कमेंट करके आप बता देना आपको वीडियो कैसी लगी है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए हो तो भाई क्यों यार परेशान होते हो, कहीं इधर उधर पूछते हो, देखो कॉलेज में भी कोई रिप्लाई वगैरह आपको मिलता नहीं, परेशान होते हो, सीधा यार जाओ डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगी लिंक, टेलीग्राम चैनल की हमारे लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हमारे तीन तरह के टेलीग्राम चैनल चलते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट चलता है, एक लीगल ग्रुप ऑफिशियल है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कराता है, और एक ग्रुप है। और अगर कोई मुझसे बात करनी हो तो मैंने वहाँ पर फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाइए टेलीग्राम चैनल में, आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम आपको व्हाट्सअप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट हमें मैसेज करके आपके क्वेश्चन जो भी पूछ सकते हैं @legalglossary। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके इस बार कितने परसेंटेज आए हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपका रिजल्ट आया है एंड आपका कैरियर आया कि नहीं। अब आपको ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि किसी से पूछना नहीं पड़ेगा किसने मेरा बैक पेपर है किसने मेरा कैरियर। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे दोस्तों।